हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। जब आपकी डिलीवरी नज़दीक होती है, यानी कि जब आपका लिवर पेन शुरू हो जाता है, तो गर्भवती महिलाओं को बस एक ही चिंता सताती है कि हमारी डिलीवरी कैसे होगी, हमें ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा, बेबी बाहर आएगा तो कितना पेन होता है, आखिर नॉर्मल डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। बहुत सारी चिंताएँ गर्भवती महिलाओं को सताती हैं। डिलीवरी से पहले महिलाएं बहुत ज़्यादा बेचैन और डरी हुई होती हैं। उनके मन में तरह तरह की बातें घूमती हैं। कुछ ज़रूरी बातों पर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्भवती महिलाओं को। कुछ चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है ताकि जो भी आपका डर है, जो भी वहम है, वो दूर हो जाए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे डिलीवरी होती है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, ध्यान से समझना है। ओके, आपकी काफ़ी मदद होगी और जो भी आप डर रही है ना, वो भी आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी अगर आप ये चीज़ें जान लेंगी। तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। इस चैनल पर प्रेगनेंसी से जुड़ी और भी वीडियो हैं, तो आप चैनल पर जाकर वॉच कर सकती हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़, ज़्यादा डर घबराहट डिलीवरी से पहले सही नहीं है। इससे बच्चे पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा मत सोचिए कि हमारी डिलीवरी हो पाएगी नॉर्मल या फिर नहीं, या फिर कितना दर्द होगा, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे डिलीवरी से पहले ही, ठीक है, लिवर पेन आपका शुरू हो चुका है और उससे पहले ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, बहुत ज़्यादा तनाव ले रही हैं, तो इसका बुरा प्रभाव आपके सीधे बच्चे पर पड़ता है, जो कि ठीक नहीं है। कोशिश करें अच्छी चीज़ें सोचें, ठीक है, कि हमारा आने वाला बच्चा किस पर जाएगा, कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, है ना। तो आपको एकदम सकारात्मक सोचना है, जो कि ठीक है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी ठीक है। तो निगेटिव बातों से आपको दूर रहना है, ये सबसे पहला काम आपको करना है, ठीक है। दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। आप हिम्मत करें, ठीक है, भरोसा रखें भगवान पे और ख़ुद को ये चीज़ ज़रूर बोलें कि हम हर चीज़ सहन कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने बेबी के लिए सब कुछ सहन कर सकते हैं, बस आपको स्ट्रांग बनना है उस टाइम पर, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आपको क्या करना है और डिलीवरी रूम में क्या क्या होता है, ठीक है। तो जब आपका लिवर पेन स्टार्ट हो जाए, जैसे कि वाइड डिस्चार्ज हो रहा है, तब भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। लिवर पेन शुरू हो गया तब भी आपको हॉस्पिटल जाना है। तो हॉस्पिटल जाने से पहले अगर हमारी ये वीडियो देख रही हैं, तो आप अपने प्राइवेट पार्ट की जो भी हेयर हैं वो रिमूव ज़रूर कर लें, ताकि डिलीवरी के दौरान जो भी दिक्कत परेशानी है वो ना हो, ठीक है, बेबी को आसानी से बाहर निकाला जा सके। तो हेयर ज़रूर रिमूव कर लें, अगर नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ पर आपका जो भी है वो सब साफ़ कर दिया जाएगा, इतना भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सके तो आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकती हैं। जब आपका लिवर पेन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। और हाँ, उससे ज़रूरी चीज़, आपको जो भी आपने डॉक्टर को दिखाया है, जो भी ट्रीटमेंट चला है आपका डॉक्टर के पास, तो वो सारी फाइल आपको अपने बैग में रख लेनी है। ये चीज़ आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है, ठीक है। टॉवल वगैरह जो भी सामान है वो रख लेने हैं, कॉटन के कपड़े थोड़े रख लेने हैं धुले हुए, और हो सके तो आप डायपर रख लें, ठीक है, नहीं तो पैड रख लें, ठीक है, तो अच्छा रहता है, डिलीवरी के बाद ये काम आएगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही रखनी है, उसके बाद हॉस्पिटल जाके तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपके बच्चेदानी का मुंह खुले लगेगा तो डॉक्टर आपको तुरंत एडमिट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगेगा तो डॉक्टर आपको तुरंत एडमिट कर लेंगे, और वो चेक करते रहते हैं फिंगर इंसर्ट करके, यानी कि फिंगर जो होती हैं तो उनको प्राइवेट पार्ट में डाला जाता है, और ये चेक किया जाता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है। हो सकता है दो तीन चार बार भी आपके साथ ऐसा हो, तो इसमें शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी झिझक खोल सके, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वहाँ पर एक बेड होता है, यानी कि जहाँ डिलीवरी कराई जाती है वो एक शीट होती है, उसी पर लिटा दिया जाता है और आपको पुश करना होता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें
कि जब लेवर पेन आए, जब तेज दर्द आए, तभी आपको पुश करना है। वैसे आपको पुश बिल्कुल नहीं करना है। जब एकदम से दर्द उठे ना, डॉक्टर आपको खुद बोलेंगे, जो भी नर्स होती हैं, जो भी दाई होती हैं, वो आपको खुद बोलेंगी, तभी आपको पुश करना है। वैसे आपको पुश नहीं करना है। जब तेज़ दर्द आएगा तभी आपको पुश करना है। जब आप पुश करेंगी तेज़ी से तो बच्चा जो होता है वो बाहर आ जाता है बहुत ही ईजली से। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दर्द होगा तो आप सहन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आराम से हो जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चेदानी का जो मुँह है ज़्यादा नहीं खुल पाया है, थोड़ा कम खुला है, तो वो चीरा भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कुछ भी पता नहीं चलता है कि आपको दर्द होगा या नहीं। बिल्कुल भी पता चलता ही नहीं है कि चीरा लग गया है। वो चीरा इसीलिए लगाया जाता है दोस्तों कि जिससे कि जो डिलीवरी है वो आसानी से हो जाए, यानी कि बच्चे को दिक्कत ना हो, इसलिए वो चीरा लगाया जाता है। बच्चे को बहुत ही आराम से और सेफ्टी से बाहर निकाला जा सके, इसीलिए वो चीरा लगाते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और बाद में ट्रीटमेंट चलता है, चीरा वगैरह सब ठीक हो जाते हैं। एक दो महीने में आप अच्छे से रिकवर हो जाओगे, ठीक है। और हाँ, डिलीवरी से पहले एक एनीमिया इंजेक्शन होता है, वो दिया जाता है लैट्रिन के रास्ते, जिससे दोस्तों जो पॉटी होती है वो एकदम आ जाती है, पेट खाली हो जाता है। ये चीज़ डिलीवरी से पहले दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर इसीलिए की हैं ताकि आपकी झिझक खुल जाए और आपको शर्म बिल्कुल ना आए। बस एक ही बात आप ध्यान रखना कि जब आपको दर्द आए ना, तभी आपको पुश करना है, नीचे की तरफ पुश करना है। जैसे कि आप पॉटी करती हैं, यूरिन पास करती हैं, ठीक वैसे ही आपको नीचे की तरफ दम लगानी है, नीचे की तरफ पुश करना है, ठीक है। मुँह से ऐसे सांस मत खोलिएगा, मुँह मत खोलिएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। मुँह खोल के अगर आपने ये सब किया ना, तो बच्चा जो है वो ऊपर ही और चढ़ जाएगा, नीचे नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो मुंह बंद करके पुश करना है नाक से, ठीक है। दम लगानी है नाक से, एकदम नीचे की तरफ पुश करनी है। देखना आपकी नॉर्मल डिलीवरी पक्का हो जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपकी डिलीवरी नज़दीक है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।